आज हमारा एमएसटी पेपर है वो 2 बजे ख़त्म होगा, उसके बाद हमारे कॉलेज में और सेरेमनी का इवेंट है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जुबैर और मैं कश्मीर से हूँ और पोस्ट बेसिक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो सीन इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, वो कहानी मैं बताऊंगा। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो को फाउंडर ऑफ एडवांसिंग नर्सिंग की थी, उसने हमारी जो नर्सिंग है उसको एक प्रोफेशन में चेंज किया और एक एडवांस सेटअप में चेंज किया। उन्होंने ये बताया था कि बिफोर एंटरिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस तो हमें एक प्लज लेनी पड़ती है, कि अगर मैं टिपिकल में बोलूँगा तो हमें एक कसम लेना पड़ता है इन फ्रंट ऑफ गॉड, इन फ्रंट ऑफ प्रोफेशन। सवाल ये बनता है कि मैं टेरिस पे क्यों आया, और इस सवाल का जवाब है मेरा यूट्यूबिंग सेटअप। तो मैं अपनी यूट्यूबिंग में कुछ नए चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेरा रूम था, मैंने अपने जो मेरे किराए वाले हैं उनको बताया कि जो मेरा रूम है तो उसको थोड़ा डेकोरेट करना है, अभी उस पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो इसलिए मैं टेरिस पे आया। जो न्यू फ्रेशर नर्सिस होती है उनको बिफोर एंटरिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस ये एक प्लेज लेनी पड़ती है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुबैर, आप देख रहे हो सीन। सीन कुछ ऐसा है कि आज और सेरेमनी है और ये मैम आज परफॉर्मेंस देने वाली है, और सेरेमनी में होता क्या है? कसम खाते हैं इसमें कि हम अपने प्रोफेशन के साथ दिलो जान से, मेहनत से, इज्जत से, लॉयल्टी से काम करेंगे और हम कोई गलत काम नहीं करेंगे और ना होने देंगे। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो हेड हो, चाहे कोई भी हो, हम हर साथ पेशेंट के साथ रहेंगे और पेशेंट को एडवोकेट करेंगे, पेशेंट की राइट्स पे हम बात करेंगे। तो भैया सीन ऐसा था। Hi everyone, I am Rasikul, student of BSc Nursing third year. Today I am gonna tell you about that oath-taking ceremony. Oath-taking ceremony is a solemn ceremony where the every nursing undergraduate take their oath. Thank you.
फ्लोरेंस नाइटिंगेल शी वाज द फाउंडर ऑफ एडवांसिंग नर्सिंग एंड उसका जो बर्थ था वो 12 मई 1820 को हुआ था और जिस सिटी में वो पैदा हुई थी उस सिटी का नाम था फ्लोरेंस सिटी जो कि पड़ती थी इटली में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उसको लैम्प लाइटनिंग मैम भी बोलते थे, आई मीन कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज लैम्प लाइटनिंग मैम। ओके राइट, तो आगे बढ़े। उसके अबू का नाम था पीटर एंजेल विलियम एडवर्ड। 1851 में उस नर्सिंग ज्वाइन की थी जो कि कैसी सिटी में पढ़ती थी, कैसी सिटी जर्मन में पढ़ती है, तो वहाँ से उन्होंने नर्सिंग का जो आगाज़ था वो स्टार्ट किया। वो 31 ईयर्स की थी जब उसने एक अच्छा रोल निभाया था जीमेन वार में, मेरी प्रोनाउंसिंग ठीक नहीं, GIMN जीमेन वार में उसने हिस्सा लिया था, उसने एक अच्छा किरदार निभाया था वहाँ केयर की पेशेंटों की, तो उससे क्या हुआ वो पेशेंट बच गए। एक बात मैं भूल गया, उसको नोबेल प्राइज मिला था ब्रिटिश की तरफ से जो 40 पाउंड का। 1853 में वो फिर एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनी, उससे उसने आज रात को हम निकलेंगे अमृतसर के लिए। अमृतसर में हमारी साइकेट्रिक ट्रेनिंग है 1 मंथ के लिए। अमृतसर में जो अमृतसरी कुलचे है, अमृतसरी लस्सी है और अमृतसर में जो गोल्डन टेंपल है, आई मीन की सीन होने वाला है वहाँ। तो हलो हलो फूलो हलो आगे चलते जाओ, इनसे पूछो, इनसे पूछो।